आज हम देखेंगे डल इम्प्लांट क्या होते हैं और उनसे जुड़े कई क्वेश्चंस एक पेशेंट के मन में आ सकते हैं जो डेंटल इम्प्लांट्स लगवाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेंटल इम्प्लांट्स। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर डेंटल इम्प्लांट्स? डेंटल इम्प्लांट्स आर आर्टिफिशियल टूथ रूट्स इम्प्लांटेड इनटू अ पेशेंट्स जॉ बोन व्हिच रिप्लेसेस द मिसिंग टूथ रूट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेट्स मेक इट सिंपल। दांतों को परमानेंटली रिप्लेस करने का सबसे लेटेस्ट तरीका है जिसमें हम मिसिंग टूथ के जड़ को, उसके रूट को रिप्लेस करता है। ये देखिए, ये जो स्क्रू है ये होते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जिनको दांतों की हड्डी में प्लेस करते हैं। किनके जगह पे? जो दांत टूट गया है उसकी जड़ की जगह पे। तो डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मटेरियल के बने होते हैं डेंटल इम्प्लांट्स? जो हमने स्क्रू प्लेस किया उसका मटेरियल ऐसा चूज किया जाता है जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट करे। ये जो इम्प्लांट्स होता है ये टाइटेनियम का बना होता है। टाइटेनियम इज द मोस्ट बायो कंपैटिबल मटेरियल। इम्प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? डेंटल इम्प्लांट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, इम्प्लांट्स, अबटमेंट्स और प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस कुड बी अ क्राउन और अ ब्रिज। डेंटल इम्प्लांट्स में जो स्क्रू है, स्क्रू के अंदर एक अबटमेंट प्लेस किया जाता है और अबटमेंट के ऊपर कैप लगाया जाता है। डेंटल इम्प्लांट्स लगवाने में कितना टाइम लगता है? तो इट डिपेंड्स, आप कौन से टाइप का इम्प्लांट्स लगवा रहे हैं। अगर कन्वेंशनल इम्प्लांट्स लगवा रहे हैं तो इट विल टेक टाइम, 2 से 3 महीने लगते हैं। और अगर इमीडिएट डेंटल इम्प्लांट्स लगवा रहे हैं तो एज द नेम सजेस्ट इमीडिएट, बट इमीडिएट मतलब इमीडिएट नहीं होता, इसमें लगभग 72 आवर्स लगते हैं। आइडियल एज फॉर इम्प्लांट्स, तो देर इज नो आइडियल एज फॉर इम्प्लांट्स। तो अगर मिसिंग टूथ है किसी भी एज में तो आप इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं, चाहे आपकी एज 80 साल है या 60 साल, मगर हर कोई इम्प्लांट्स नहीं लगवा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? क्या हर कोई एलिजिबल होता है डेंटल इम्प्लांट्स के लिए? एंड द आंसर इज नो। तो पहला, आपका एक मिसिंग टूथ होना चाहिए। दूसरा, आपकी बोन डेंसिटी, क्योंकि इम्प्लांट्स जाके बोन में रहेंगे तो बोन की डेंसिटी अच्छी होना चाहिए जिससे कि इम्प्लांट्स उसके अंदर टिक सके। तो डेंटल इम्प्लांट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्दी सॉलिड बोन। जिनका बोन सपोर्ट कमजोर है वो लोग इम्प्लांट्स नहीं लगवा सकते। तो इसके लिए एक CBCT एक्सरे होता है, उससे बोन डेंसिटी देखी जाती है। और ये एक्सरे आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कैसे करवाना है। एक्सरे के बाद ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको इम्प्लांट्स लगा सकते हैं कि नहीं, और आपकी जनरल हेल्थ भी अच्छी होना चाहिए, जैसे कि आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ना हो या आपकी इम्यूनिटी सप्रेस ना हो, इम्यूनिटी अच्छी हो। जैसे कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जो हाई लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे रहते हैं, जो रेडियोथेरेपी हो रही है जिनकी, पेशेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर डेंटल इम्प्लांट्स। तो एवरीबडी कांट गेट इम्प्लांट्स। और लास्ट, इम्प्लांट्स आर अ बिट कॉस्टली ट्रीटमेंट, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन गेट इम्प्लांट्स। इसके साथ साथ अगर आप हैवी स्मोकर हैं तो भी डेंटल इम्प्लांट्स के फेलियर रेट्स बढ़ जाते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट्स हर कोई नहीं लगवा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, इम्प्लांट्स की हेल्प से हम कितने दांत लगा सकते हैं? तो आंसर है, इम्प्लांट्स की हेल्प से हम कितने भी दांत लगा सकते हैं। एक दांत मिसिंग है तो भी आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं, सारे दांत मिसिंग है, एडेंटुलस केस है तो भी आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं। तो ये देखिए, अगर पूरे दांत मिसिंग है तो आप नीचे 4 इम्प्लांट्स और ऊपर 4 इम्प्लांट्स और उसके ऊपर दांत लग जाते हैं। तो ये होता है परमानेंट डेंचर्स। अगर किसी के पूरे दांत नहीं है और वो परमानेंट डेंचर्स लगवाना चाहता है, मतलब जो 32 होती है वो फिक्स्ड वाली, वो इम्प्लांट्स की हेल्प से ही लगती है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स। काफी कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, तो डेंटल इम्प्लांट्स का कॉस्ट वेरी करता है आपने कौन से टाइप का इम्प्लांट्स लगवाया है, कौन सी कंपनी का इम्प्लांट लगवाया है, किस डेंटिस्ट से इम्प्लांट लगवाया है, कितने इम्प्लांट्स लगवा रहे हैं, किस डॉक्टर से इम्प्लांट लगवा रहे हैं, किस शहर में इम्प्लांट लगवा रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन सब चीजों पे बेस्ड एक इम्प्लांट 20,000 से 25,000 से स्टार्ट होता है और एक इम्प्लांट की कॉस्ट अबाउट 50,000 तक जा सकती है। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लांट्स, क्यों इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट लोग करवाते हैं? अभी तक हमने देखा कि अगर किसी का दांत नहीं है तो नकली दांत जो लगाए जाते हैं उनमें जो क्राउन पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन डेंटल इम्प्लांट्स में हम क्राउन पोर्शन और रूट पोर्शन, उसको पूरा रिप्लेस करते हैं। तो इम्प्लांट लगवाने के बाद जो दांत लगते हैं, नेचुरल टूथ का फीलिंग होता है,
पेशेंट को खाना खाने में आसानी होती है, उसका फील बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू जो बाकी ट्रीटमेंट प्लांट्स की जगह पे दूसरा परमानेंट सोल्यूशन होता है एफपीडी या ब्रिज। अगर ब्रिजेस से हम कंपेयर करें तो हाँ इम्प्लांट्स आर कॉस्टली, बट के बाद आपको बात करने में खाना खाने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल नेचुरल दांतों की तरह ही पेशेंट फील करता है। हर ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट देखा जाता है कि ये ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा। हर पेशेंट ये पूछता है अगर मैं इतना खर्चा कर रहा हूं तो ये कितने दिन चलेगा। व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ इम्प्लांट्स? इट्स अबाउट 98%। अबाउट 95-98% सक्सेस रेट है इम्प्लांट्स का। अगर अच्छे से केयर की तो इम्प्लांट्स पूरी जिंदगी लाइफ लॉन्ग भी चलते हैं। अब इससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि इम्प्लांट लगवाने के बाद क्या केयर करनी पड़ती है। तो जस्ट लाइक योर नेचुरल टूथ, रियल टूथ, आपको दांतों की वैसी ही केयर करनी पड़ती है। ओरल हाइजीन मेंटेन करिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, दोनों टाइम ब्रश करिए, फ्लॉसिंग करिए, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश यूज करिए, और इसके साथ साथ रेगुलर डेंटल विजिट्स ट्वाइस अ ईयर, एटलीस्ट वंस अ ईयर गो फॉर चेकअप्स। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो इम्प्लांट्स आर बेस्ट ट्रीटमेंट टू गेट योर टूथ रिप्लेस्ड। आर्टिफिशियली अगर हम दांतों को रिप्लेस कराते हैं तो बेस्ट ट्रीटमेंट्स आर डेंटल इम्प्लांट्स। इनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि दे आर वेरी कॉस्टली और हर डेंटिस्ट डेंटल इम्प्लांट्स नहीं करते, और साथ साथ में हम हर कंडीशन में डेंटल इम्प्लांट्स नहीं लगा सकते, एक तीसरा लिमिटेशन। तो कुछ लिमिटेशंस के साथ इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। नेचुरल दांतों की तरह नए दांत लगवाने हैं तो डेंटल इम्प्लांट्स इज द सॉल्यूशन। तो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे डेंटल इम्प्लांट्स को लेके। अगर कुछ रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।